जन नानक सब ही मैं पूरन, एक पुरख भगवानो, एक पुरख भगवानो, जन नानक सब ही मैं पूरन, जन नानक सब ही मैं पूरन, एक पुरख भगवानो, एक पुरख भगवानो, बसत है या भीतर जो राम बसत है, साचो ताही पछानो, साचो ताही पछानो, साचो ताही पछानो, साचो ताहे पछानो, साधो साधो ए तन मिथ्या जानो, ए तन आत्मा अकर्ता है, अकर्ता रहेगा। कर्म का कोई भी फल कभी आत्मा तक आया ही नहीं, ये तो भूल से, अज्ञान से जीव ने जान लिया कि ये कर्म मैं करता हूँ तो इस कर्म का फल भी मुझको मिलेगा। ज्ञानवान ने ज्ञान की खड़ग से इस अज्ञान के पर्दे को चीर दिया और देखा, न मैं देह हूँ, न मैं मन हूँ, ना ही मैं चित्त हूँ, ना ही मैं चित्त के संस्कार हूँ, इन संस्कारों से निकले विचार भी मैं नहीं, इन विचारों से बने संकल्प भी मैं नहीं, इन संकल्पों से हुए कर्म भी मैं नहीं, तो फिर इन कर्म के फल का भोगता मैं कैसे हो सकता। उसने सिरे से इस ज्ञान की तलवार से इस अज्ञान की पूरी जड़ को काट के फेंक दिया। प्रभु कहते हैं, जिसने इस बात को जाना समझा सो ज्ञानवान है और सो ही सन्यासी है। वस्त्र से कोई सन्यासी नहीं, वेश से कोई सन्यासी नहीं होता है, सन्यासी कोई होता है अपने विवेक से, अपने निश्चय से। तुम्हारा निश्चय कहां पर है? आकाश न कभी मैला हुआ था, न कभी मैला हो सकता है।
आकाश न कभी काला था न कभी अमावस्या की काली माँ उसको काली कर सकती है। आकाश कभी शुभ्र न था न कभी सूर्य उसको शुभ्र बना सकता है। आकाश तो हमेशा ही अवकाश देता है, कभी सूर्य को, कभी चांद को, कभी अंधकार को, कभी तमस को, स्वयं वो असंग रहता है, शून्य शून्यवत। भगवान कह रहे हैं जो इस मर्म को जानता है, जो इस मर्म को समझता है, सो ही सन्यासी, सो ही त्यागी है। त्यागी वो नहीं जिसने कुछ छोड़ दिया, त्यागी अभी तू वो है जिसने ये जाना कि मैंने पकड़ा ही कभी कुछ नहीं था। मैंने कुछ पकड़ा है, मैं कुछ पकड़ सकता हूं, मेरे को कोई बांध सकता है, ये मात्र अज्ञानियों के किए गए वृथा प्रलाप होते हैं। ज्ञानी जन तो इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं कि कुछ भी कभी भी कहीं भी मुझको बांध नहीं सकता है, और मैं मुक्त था, मुक्त हूं, और मेरी मुक्ति में किसी भी वस्तु की कभी कोई बाधा हो नहीं सकती। अज्ञान चित्त में है और ज्ञान भी चित्त को कराना पड़ता है, बस बात इतनी सी है। जहां पर अंधकार होगा रोशनी तो वहीं करनी पड़ेगी ना। तो अज्ञान का अंधकार तुम्हारे चित्त में है तो ज्ञान की रोशनी भी तुम्हारे चित्त में हो रही है। आत्मा न कभी अज्ञानी था न आत्मा कभी ज्ञानी होगा। जो अपने आप को संसार में बंधा हुआ जानते हैं उनका आत्मा भी मुक्त ही है, और जो स्वयं को मुक्त जानते हैं उन्हें भी पता है कि उन्होंने मुक्ति अर्जित नहीं की है, मुक्त हुए नहीं है, वो मुक्त तो थे ही, सिर्फ देखा है, सिर्फ देखा, सिर्फ पहचाना है। इसीलिए तो ज्ञानी अहंकारी हो ही नहीं सकता। जो ये कहते हैं ना ज्ञानी अहंकारी होता है, यहाँ ज्ञानियों को हमने अहंकारी देखा है, तो प्यारे आपने किसी ज्ञानी को नहीं, किसी ज्ञान के आभास वाले ज्ञानी को देखा होगा, जिसमें सिर्फ ये भ्रम है, सिर्फ ये भुलेखा है कि मैंने पाया, मैंने पाया, मैंने पाया। कबीर साहब कहते हैं, पाया कहे सो बाबरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अज्ञानी कहता मैंने परमात्मा को खो दिया, और कोई कोई कहता मैंने परमात्मा को पा लिया। ज्ञानी का कहता है, ज्ञानी कहता है जिसको मैंने कभी खोया ही नहीं उसको मैं प्राप्त क्या करूंगा। आत्मा नित्य ही ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म रहेगा, ब्रह्म से अन्यत्र मैं कुछ हो ही नहीं सकता हूं। अगर मैं अपने आप को कुछ और देखता हूं, जानता हूं, मानता हूं, तो ये मेरी भूल है। किसकी भूल? मेरी नहीं, मेरे मन की भूल है। मेरी भूल तो फिर भी नहीं, मैं तो भूलनहारा हूं ही नहीं, मैं भूलनहारा हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता, कैसे हो सकता। श्री भगवान कहते हैं, यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार करके भी न तो मारता है न पाप से बंधता है। बहुत खतरनाक बात है ये, बहुत खतरनाक बात। जो कर्म से बंधा नहीं, मैं करता हूं ऐसा कभी जिसके अंदर ख्याल नहीं आया, संसार के पदार्थों में जिसकी बुद्धि लगती नहीं, और भोग को भोगते हुए जो चित्त जिसका लिपायमान नहीं होता। लिपायमान होने का अर्थ है अफ्लिक्टेड, गेटिंग अफेक्टेड। सी दिस वन थिंग इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, जो भोग नहीं भोगता है सो त्यागी होता है, पर ज्ञानवान को भोगों को भोगने में भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। जिसको दिक्कत है
तो सोचना पड़ेगा उसको दिक्कत क्यों है। जरूर अभी भी उसके मन में चोर है, नहीं तो दिक्कत क्यों हो? नहीं तो दिक्कत क्यों हो? भोग की उसको आकांक्षा नहीं है, पर अगर उसके प्रारब्ध से उसको भोग पदार्थ मिल जाता है तो वो इनकार भी नहीं करता है। अब ये बात बड़ी खतरनाक है, जो कच्ची बुद्धि वाला कच्चे ज्ञान वाला है वो इस बात का ही तो उपयोग करके अपने जीवन में ऐसे ऐसे दुराचार व्यभिचार कर लेता है कि बस क्या ही कहने। फल की इच्छा नहीं है, भोग की इच्छा नहीं है, पर सहज प्रारब्ध से अगर उसको भोग प्राप्त होता है तो वो इनकार भी नहीं करता है। देखिए कृष्ण की दृष्टि बड़ी व्यापक है, बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत दूरगामी। कृष्ण की दृष्टि छोटी नहीं। कृष्ण साधारण सन्यासियों की बात नहीं कर रहे हैं जो भोगों से डरे हुए, जो स्त्री ना दिख जाए तो आंख बंद कर लेते हैं, स्त्री को देख के आंख वही बंद करता है जिसके मन में अभी भी वासना है और उसको इस बात का डर है अगर वो ज्यादा देर देखेगा तो वासना जोर मार जाएगी, और जब वासना जोर मार जाएगी तो उससे पता नहीं क्या हरकत हो जाए और बाद में उसको तकलीफ हो। जीसस शाम के बाद अक्सर जुआ खानों में पाए जाते थे, जहां जुआरी शराबी बैठते, जहां वेश्याओं का नृत्य होता, जहां वेश्याओं का मोल भाव भी होता, जीसस वहां पर मिलते थे। एक दिन उनके एक शिष्य जोसेफ ने कहा कि मुझे समझ नहीं लगती है कि शाम होते ही आप ऐसी जगहों पर क्यों जाने की कार्यक्रम बना लेते हैं, क्या आपको शोभा देता है? आप एक धर्म गुरु हैं, आपको यहां जाना नहीं चाहिए, आपकी बहुत संसार निंदा करेगा। जीसस ने कहा, पहली बात तो ये मैं धर्म गुरु नहीं हूं, दूसरी बात इन्हीं जुआ घरों, इन्हीं शराब खानों, इन्हीं वेश्यालयों में मुझे मेरे संभावित श्रोता मिलेंगे जो आनंद को प्राप्त करने की इतनी लालसा रखता है कि संसार की लोक लाज को ताक पे रखने की भी हिम्मत रखता है। मुझे ऐसे वह हिम्मतवर लोग ही तो चाहिए। वो पाखंडी होते हैं जो भोग तो भोगना चाहते हैं पर शराब और मदिरालयों में जाने की हिम्मत भी नहीं करते। इन्होंने इतनी हिम्मत तो की, ये कुछ रस ढूंढ रहे हैं, ये कुछ सुख ढूंढ रहे हैं, और यही वो जगह है जहां बैठ के मैं इनके साथ इनकी निंदा नहीं करता। सब लोग इनकी निंदा करते हैं, पत्नी, इनके माँ, इनके पिता इनकी निंदा करते, पर मैं इनकी निंदा नहीं करता हूं। मैं इनसे मित्र पूर्वक मैत्रीपूर्ण रिश्ता रखता हूं, और फिर जब इनको मेरे प्रति कुछ विश्वास या प्रेम या मैत्री जग जाए तो फिर चुपके से ये कह देता हूं कि ये जो तेरा मजा है ये थोड़ी देर का है, कल फिर तुझे भागना पड़ेगा, पैसे जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां बिना पैसे के तो कुछ मिलेगा नहीं तुझको। आ मैं तुझको दिखाऊं एक ऐसा भी रस है जहां कुछ पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और तुझको ब्रह्मानंद भी मिल जाएगा। ये वो लोग हैं जिनमें हिम्मत है, ये वो लोग हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। जिसने दो रोटी खाई और सो गया, जिसने चार बच्चे पैदा किए और जो संतुष्ट है अपने जीवन में, वो धर्म की यात्रा कैसे कर सकता है? धर्म की यात्रा करने की भी एक हिम्मत होती, और ये हिम्मत इस जुआरी में है। एक बाजी के लिए ये अपना सब कुछ हार जाता है। जो चंद रुपए के लिए जुआ खेल सकता है, भारी बाजी लगा सकता है, तो वो परमात्मा के लिए अपने जीवन को दांव लगाने में भी फिर पीछे नहीं हटेगा। हिम्मत है इसमें।
ईसा की सोच देखिए, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि कोई धर्म गुरु और शराब घरों में मिले, और उनको रत्ती भर भी परवाह नहीं इस बात की कि दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, क्योंकि उनको जो करना था सो वो कर रहे थे और दुनिया उनके लिए क्या कहती है ये बात वो बहुत अच्छे से समझते थे। दुनिया तो है ही ऐसी, आज सम्मान देगी कल अपमान करेगी, फिर अपमान करेगी फिर सम्मान देगी, और तो कुछ तीसरी चीज तो दुनिया के पास है नहीं। शराबियों के साथ बैठते हैं पर खुद थोड़ी पी रहे, वेश्याओं के साथ बैठते हैं पर वेश्या गमन तो नहीं कर रहे, उल्टे जीसस से सबसे अधिक प्रेम करने वाली स्त्रियों में एक स्त्री मेरी मैग्डलीन वेश्या ही थी, पर जिस दिन से वो जीसस को मिली उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने पुरुषों का संसर्ग तो किया था, पुरुषों से उसने दैहिक सुख तो जरूर पाया था, पर किसी पुरुष ने उसको प्रेम भरी दृष्टि से कभी ना देखा था जिस दृष्टि से ईसा उसकी ओर देखते थे। उनकी दृष्टि में मैल नहीं है, वासना नहीं है, देह की भूख नहीं है, उनकी दृष्टि में एकदम मासूमियत है, प्रेम है, जैसे कोई बालक अपनी माता को देखता हो। मेरी मैग्डलीन ऐसी भक्त हुई कि मेरी नजर में जो मेरी ने जीसस से प्राप्त किया वो जीसस के उन 12 पुरुष शिष्यों ने कभी प्राप्त किया भी नहीं। और अपनी कब्र से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले वो अपने इन पुरुष 12 शिष्यों को जीसस, जोसेफ, जूडास, पीटर, थॉमस, इनको नहीं मिले, मेरी मैग्डलीन को मिले। ये तो संयोग की बात है कि ईसा की मां का नाम भी मेरी था और ईसा की शिष्या का नाम भी मेरी है, और इन दो महिलाओं ने ईसा के जीवन से बहुत कुछ पाया भी। और जैसे कि स्त्री का स्वभाव है वो जो भी कुछ प्राप्त करती है उसको अपने भीतर भर लेती है और समा जाती है फिर उसी में। मेरी ने कोई अपना अलग से धर्म नहीं चलाया, मेरी ने कुछ अलग से अपने ग्रंथ भी नहीं लिखे, मेरी कहीं किसी चर्च को बना करके पुरोहित भी नहीं बनी, बस जीसस से जो कुछ उसको मिला उसको अपने भीतर वो समा गई, समा करके लीन हो गई। द्वेष नहीं है ज्ञानवान को पापियों से और लोभ नहीं होता है ज्ञानवान को पुण्य कर्म करने वालों से, क्योंकि पाप और पुण्य इस द्वंद से ज्ञानवान ऊंचा उठ जाता है। और ऐसा ज्ञानवान संसार के भोग को भोगे तो भी असंग, और कुछ न भोगे तो भी असंग। और श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा पुरुष अगर संसार के सभी लोगों को मार दे तो भी उसको पाप बांध नहीं सकेगा। क्रांतिकारी वचन है ये। छोटे मोटे कर्म क्या उसको बांधेंगे, इस सारे संसार में लोगों का वो हंता हो जाए, नाश करता हो जाए तो भी उसको पाप नहीं बांध सकेगा। जैसे अग्नि में कोई आदमी जल जाए, एक्सीडेंट हो गए, घर में आग लग गई, दुकान में आग लग गई, रेलवे इंजन में, रेलवे के बोगी में आग लग गई, लोग जल के मर गए, तो क्या आप अग्नि को कातिल कहोगे? अग्नि तो तत्व है, उसका काम जलाना है, उसके सामने उसकी अग्नि की ज्वालाओं में जो आएगा वो जला देगी। बाढ़ आती है, जल कितने ही मनुष्यों को मारने का कारण बन जाता है, डूब के मर जाते हैं लोग। अभी बाढ़ आ रखी है देश में, बिहार में बहुत भयंकर बाढ़ आ रखी है, कोसी नदी ने रास्ता बदल लिया, जिस रास्ते में वो 200 साल पहले बहती थी अब अचानक से नदी ने रास्ता ही बदल लिया है, वो पुराने वाले अपने रास्ते में बहने लग गई है।
और पांच बड़े नगर बिहार के पानी की चपेट में हैं और सब कुछ डूब गया है और कितने लोग मर गए हैं, 10 लाख से अधिक लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, पर क्या आप पानी को कातिल कहोगे? क्या पानी को कोई दंड दिया जाएगा? बवंडर आए, कोई भूचाल आए, हवा चली तेज, टोर्नेडोज आ जाती हैं और कितने लोग बेघर हो जाते, कितने लोग मर जाते हैं, क्या तुम हवा के ऊपर केस चलाओगे? अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व से अगर किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु हो जाए तो आप इन तत्वों को दंडित नहीं करते हो। ज्ञानवान इन्हीं तत्वों की तरह ही है। ज्ञानी भी ठीक इन्हीं तत्वों की भांति है जिसका किसी से कोई लेन देन, शत्रुता और मैत्री नहीं होती।